नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशफल के बारे में लेकिन उससे पहले बात लेते हैं आज के पंचांग के बारे में तीन अप्रैल 2023 सोमवार का दिन है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि है नक्षत्र रहेगा आज के दिन मघा अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर ग्यारह बज के पैंतीस मिनट से लेकर दोपहर बारह बज के तीस मिनट तक रहेगा सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः पाँच बजकर बावन मिनट पे चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी कर्क राशि पे आज का जो अशुभ समय होगा कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे तो सिंह राशि में गोचर करेंगे और आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा शाम छह बजकर एक मिनट से लेकर रात्र सात बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत न करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन के दैनिक राशि की और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है मिथुन राशि के जातकों आज सात शुभ समाचार मिलेंगे आज आपको विशेष लाभ होगा मान सम्मान में और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी साथ ही अपार धन की प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं बेरोजगार जातकों को शुभ समाचार मिलेंगे मिथुन राशि आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है मिथुन राशि के जातकों पहले अगर आपने निवेश किया है चाहे वो मार्केटिंग के क्षेत्र में हो या फिर जमीन प्रॉपर्टी में हो या फिर व्यापार में हो तो उसका लाभ मिल सकता है आपको और कहीं न कहीं से धन मिलना आज के दिन तय है कहीं पर अटके हुए पैसे वापस मिलने के यानी कि योग बन रहे हैं तमाम रुके हुए कार बन सकते हैं परिवार के किसी सदस्य का यानी कि विवाह के रिश्ते तय होंगे घर का माहौल काफी खुशियों से भरा रहेगा आज के दिन घर में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे शुभ फलों की प्राप्ति होगी मिथुन राशि को आज यानी कि बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और परिवार में खुशियां रहेंगी साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का साथ मिलता नजर आएगा यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मिथुन राशि को आज के दिन आपको काम का बोझ यानी कि कम होगा जी हाँ मिथुन राशि को आज कई बड़े प्रमुख कार्य कर सकते हैं अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे व्यापार के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे कुछ नया काम करने का विचार करें तो आज नया काम भी कर सकते हैं व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे अटके हुए कार्य भी बनते नजर आएंगे साथ ही साथ बता दें कि आज सहकर्मियों का साथ मिलता नजर आएगा और आज आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे आज धन से मालामाल भी बन सकते हैं बता दें कि आज अपने ऊपर किसी को हावी ना होने दें डटकर आज सामना करें किसी भी विपत्ति का कोई भी अगर मुश्किल भरा दौर है तो उसका डटकर सामना करने का भी आज समय रहेगा साथ ही बता दें कि धन के आकस्मात की वृद्धि होने की संभावना आज नजर आ रही है लेकिन अपने पैर जमीन पर ही रखें व्यापार में पैसा लगाया हुआ है आपने पहले से तो उसमें कई गुना अधिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं धन प्राप्ति के कई अवसर आपको मिलेंगे घर का आज यानी कि जो धन होगा जो कामयाबी होगी आज आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी यानी कि जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा तो कई महत्वपूर्ण यानी कि भविष्यवाणी भी आज हम करेंगे क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आज, आज आपके लिए है क्योंकि बहुत ही लाभ देखने को मिल रहे हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी घर में खुशियां रहेंगी विदेश से धन आएगा जीवन साथी से लाभ होगा जो लोग व्यापार में अपना हाथ हजमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन कहा जाए तो खुशी का माहौल रहेगा पारिवारिक यानी कि दोस्त का आगमन हो सकता है किसी भी आपके सदस्य में अगर कोई पारिवारिक दोस्त है तो वो आ सकता है साथ ही साथ आज खुशकिस्मत वाले रहेंगे आज आपको ढेर सारी यानी कि खुशियां प्राप्त होंगी बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी विदेश जाने की योग बन सकते हैं साथ ही सरकारी संगठन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होगा सरकारी सरकारी संगठन के लिए भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कि आपकी नई जॉब लग सकती है फिर जॉब लगी है तो प्रमोशन की योग भी बनते नजर आएंगे तो कई प्रमुख कार भी बनेंगे और प्रत्येक कार्य अधूरे अध्यों को भी पूरा करने का मन बनाएंगे आपको व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक धन लाभ मिलने की योग बनेंगे साथ ही साथ बता दें कि आज घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा संतान का व्यवहार परेशानी की बजाय ना बन सकता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा संतान के यानी कि थोड़ा सा आपको देख रेख करना होगा बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें वाणी पर यानी कि संयम बनाए रखें आज के दिन तो ज़्यादा बेहतर होगा वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आज मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा में यानी कि लाभ होगा साथ ही साथ बता दें कि धन के मामले में आज का भाग्य जोरों पर रहेगा अपने क्षेत्र में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे पुराने निवेश अगर आपने कर रखे तो उन पुराने निवेशों से लाभ होगा राजनीतिक क्षेत्रों में आपको जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेगा व्यापार में आपको नए लाभ और नए समझौते होंगे आज धन संबंधित निर्णय लेने से पहले आपको जरूर सोच लेना है नौकरी कर रहे हैं तो लोगों को ऑफिस की राजनीति से भी पूरी तरह से यानी कि बचकर रहना होगा जो ऑफिस की राजनीति है उससे बचकर ही रहना होगा आज के दिन अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा बता दें कि आज आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं खर्च पर नियंत्रण रखने से कामयाब हुए तो धन संचय भी होगा आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में विस्तार देने का उद्देश्य से खर्च कर सकते हैं नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन काफी अच्छा सहकर्मियों का वातावरण आपके लिए काफी शुभ रहेगा पदोन्नत की प्राप्ति होगी अथवा वेतन में वृद्धि होगी लेकिन ध्यान रहे चाहे कितना भी धन प्राप्त हो अपने पैर जमीन पर ही रखें धन के गर्व में कोई भी गलत कदम ना उठाए अपने मन पर काबू रखें आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आज के दिन क्योंकि आज के दिन कई महत्वपूर्ण यानी कि लाभ भी देखने को मिल रहे हैं ऐसे योग बन रहे हैं हम बता दें आपको कि कुंडली में जब योग बनते हैं चंद्रमा की स्थिति के ऊपर गोचर की स्थिति के ऊपर तो हमें उसका परिणाम भी बेहतर मिलता है देखिए अगर आर्थिक नुकसान आपने अभी तक उठाया तो उसकी भरपाई करेंगे सेहत को लेकर कुछ परेशानियाँ हो सकती है लेकिन खासकर हृदय रोग से बाधित यानी जातकों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है आज के दिन साथ ही बता दें कि आज धन और रिश्तों के मामले में यानी कि नुकसान से बचना भी होगा आमदनी आज जबरदस्त रहेगी धन में यानी लाभ हो सकता है परिवार में जो तनाव था वो खत्म होगा जीवन साथी से भी साथ मिलेगा जीवन साथी से आज, आज आपके संबंध मधुर रहे प्रेम जीवन में खुशियां लव लाइफ अच्छी रहेगी लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं और आज के दिन यानी कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आज विदेश जाने के लिए अच्छा रहेगा विदेश जा सकते हैं विदेशी विदेश में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं और अभी तक नहीं बेच पा रहे थे तो वो उसे बेच पाएंगे विदेश में जाकर रहना वहाँ पर बिजनेस व्यापार करना लंबे समय से अवधि तक नौकरी करना सारी चीज़ें हो सकती है विदेश घूमने फिरने जा सकते हैं शिक्षा में सुधार होगा कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना रहेगा एग्जाम की तैयारियों में है तो उसका भी आपको ध्यान देना होगा साथ ही साथ जिनका एग्जाम पूरा हो चुका है वो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा कई शुभ समाचार मिलेंगे तो दोस्तों आज के दिन बहुत ही शुभकारक और बहुत ही लाभकारी रहेगा आज आपको गाड़ी वाहन का भी शुक प्राप्त होगा गाड़ी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं घर में खुशियां ला सकते हैं तो कई प्रमुख कार्य बनेंगे आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर नीला भाग निवारा आपका तकरीबन एट्टी नाइन परसेंट तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय शनिदेव